बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर्स में हमने सुपरवाइज्ड लर्निंग और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के हवाले से एल्गोरिदम देख लिए हैं, जिसमें अनसुपरवाइज्ड में के मींस क्लस्टरिंग और हायरार्किकल क्लस्टरिंग के हवाले से बात की थी। इसी तरीके से सुपरवाइज्ड क्लस्टरिंग में हमने रिग्रेशन मॉडल को देखा था, KNN को देख लिया था। तो इन चारों मॉडल में, चाहे वो सुपरवाइज्ड लर्निंग है और चाहे वो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है, डेटा इस्तेमाल हुआ था। आज के हम इस लेक्चर में रीसैम्पलिंग मेथड्स को देखेंगे। जब हम मॉडल को ट्रेन कर रहे होते हैं तो सम टाइम हमें सैम्पल्स या इंफॉर्मेशन की कमी का सामना होता है। जब हमारे पास इंफॉर्मेशन पूरी नहीं होती तो वो जो मॉडल हम तैयार करते हैं, वो मॉडल की जो एक्यूरेसी है तो उस पर फर्क पड़ता है। अब एक मॉडल में हमने, रिग्रेशन मॉडल में जो हमने एक्यूरेसी चेक की थी, वो SPSS का सहारा लेकर टी टेस्ट को हमने अप्लाई किया था, जिसमें हमने आर स्क्वायर की वैल्यू देखी और पी वैल्यू को देखा था। उसमें हमने कोशिश की थी कि ये जो हम डिपेंडेंट वेरिएबल इस्तेमाल कर रहे हैं, इनके जो रेट ऑफ चेंज हमने मेजर किए थे, ABC की वैल्यूज़ निकाली थी, उन चीज़ों की करेक्शन का हमने अंदाज़ा लगाया था पी वैल्यू के साथ। अगर पी वैल्यू की वैल्यू सही नहीं आती, हमारे मियार के मुताबिक 0.05 से नीचे नहीं आती, तो तब क्या करेंगे। इसी तरीके से जब हमने KNN इस्तेमाल किया और के मीन क्लस्टरिंग इस्तेमाल की या हायरार्किकल क्लस्टरिंग इस्तेमाल की, हम जब मॉडल ट्रेन कर रहे हैं उसमें किस तरीके से चेक करें कि डेटा हमारा, ये जो क्लस्टरिंग बन रही है या ये जो के मीन्स या KNN ने हमें जवाब दिए हैं, ये ठीक भी हैं या नहीं है। तो इसके लिए हमारे पास जो स्टैटिस्टिकल मेथड्स इस्तेमाल होते हैं, हमने आज उन पर बात करनी है। उन पर बात करने से पहले रीसैम्पलिंग मेथड्स के हवाले से जो डेफिनेशन है प्रॉपर, उसको हम देख लेते हैं। ये स्क्रीन पर आपको डेफिनेशन नज़र आ रही है। Resampling methods are vital used tool in modern statistics. यानी ये जो method है, ये modern statistics में machine learning के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है, computer vision के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है, medical imaging के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा बहुत सारी sciences, यानी physics, chemistry, जहाँ भी data involve होता है वहाँ पर ये method इस्तेमाल किया जा रहा है। क्योंकि हम कंप्यूटर विजन या मैथमेटिकल ऑटोमेटेड चीज़ों के ऊपर हैं, तो उसके अंदर हमें रीसैम्पलिंग की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। तो इसके अंदर क्या है, दे इन्वॉल्व रैपिडली ड्राइंग सैम्पल्स। हमें सम टाइम हमारे पास सैम्पल मौजूद नहीं होते, हम उन्हीं सैम्पल से मज़ीद रीजनरेट सैम्पल कैसे कर सकते हैं, और फिर वो जो रीजनरेट सैम्पल्स हो रहे हैं उनकी एक्यूरेसी से क्या मुराद है, कि आया वो जो रीजनरेट सैंपल हुए हैं वो मॉडल की एक्यूरेसी को बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं। ये तरीका, ये मेथड जो है, आज हम देखेंगे कि ये किस तरीके से पॉसिबल है, उसकी कौन कौन सी टेक्निक्स हैं। फ्रॉम ए ट्रेनिंग सेट, ट्रेनिंग सेट की हवाले से भी बात कर लेंगे डिटेल के साथ, और टेस्ट यानी एंड वैलिडेशन, यानी ये जो हमने हिस्से बनाए हैं ट्रेनिंग जिस पे करवाई, और जब टेस्ट हम कर रहे हैं उनकी वैलिडेशन को चेक करना है, तो वो किस तरीके से चेक कर सकते हैं। रिफाइनिंग ए मॉडल ऑफ इंटरेस्ट ऑन ईच सैंपल, ये जो सैंपल हमारे पास बना है, हर सैंपल को हम उसकी वैलिडिटी को चेक करेंगे, इन आर्डर टू ऑब्टेन एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द फिटेड मॉडल। ये जो मॉडल हमने फिट कर लिया है उसके हवाले से ये बात हम करेंगे। We discuss two of the most commonly used resampling methods. एक क्रॉस वैलिडेशन मेथड है और दूसरा जो है बूटस्ट्रैप मेथड है। ये नाम आप सुनते होंगे मशीन लर्निंग के अंदर, जब भी आप पढ़ते हैं, जब आप नेट पर जाते होंगे वी का इस्तेमाल करने के लिए, वर्ड SPSS का इस्तेमाल करने के लिए, आजकल पाइथन का बड़ा बहुत इस्तेमाल है, आर प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल है। जब भी वो टूल खोलेंगे तो वो आपसे ये इनपुट्स पूछेगा कि ये सैम्पलिंग जो मेथड है वो कौन सा इख्तियार करना है, मॉडल को बिल्ड करने के लिए, मॉडल को ट्रेन करने के लिए।
आजकल हमारे पास एक वीका एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें आप कोई भी मॉडल, रिग्रेशन मॉडल है, न्यूरल नेटवर्क है, के मीन्स है, KNN है, मशीन लर्निंग के जितने भी एल्गोरिदम, ट्री बेस्ड एल्गोरिदम है, रैंडम फॉरेस्ट है, ये सारे मॉडल उसके अंदर बड़ी आसानी के साथ बिल्ड किए जा सकते हैं। अगर हमें ये कंसेप्ट नहीं है तो हम इसको ट्यून नहीं कर सकते। तो ये क्रॉस वैलिडेशन क्या होती है, इसको डिटेल से देखते हैं। बोथ मैटर आर मेथड्स आर इम्पॉर्टेंट टूल्स इन द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ मैनी स्टेटिस्टिकल लर्निंग प्रोसीजर्स। ये बात ये आपकी किताब में लिखी हुई है और ये आपकी किताब का 5वां चैप्टर है। अब मॉडल को असेसमेंट कैसे करते हैं कि ये मॉडल जो है ठीक काम कर रहा है या नहीं। द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग ऑफ मॉडल्स परफॉर्मेंस इज नोन एज मॉडल असेसमेंट। यानी उनकी परफॉर्मेंस चेक करने के लिए जो तरीका इस्तेमाल किया जाता है उसे मॉडल असेसमेंट कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग द प्रॉपर लेवल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, इसका क्या मतलब है कि जब आप मॉडल ट्रेन कर रहे होते हैं तो सम टाइम हम आप देख चुके हैं लीनियर मॉडल है और क्वाड्रेटिक मॉडल है। जो लीनियर मॉडल है वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। इसी तरीके से सेकंड डिग्री पैराबोलिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो ज़रा फ्लेक्सिबिलिटी उसके अंदर कम हो जाती है। इसी तरीके से क्यूबिक मॉडल है, यानी आप पॉलिनोमियल इक्वेशन की डिग्री बढ़ाते जाएंगे, पावर क्यूब और पावर फोर, ये जो मॉडल है ये ज़रा इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है ये कम होती चली जाएगी। अब ट्रेनिंग के दौरान भी फ्लेक्सिबिलिटी कम या ज़्यादा होती है कि आप अपने जो पैरामीटर्स हैं, लेट्स से ये मैं आपको बना के दिखाता हूँ। लीनियर इक्वेशन को आप जानते हैं वो क्या होती है, उसमें जब ये y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ये आपके पास वेरिएबल था, ये जो कांस्टेंट है ये कांस्टेंट इसको ट्यून करते थे। इसको ट्यून कैसे करते थे, डेटा की मदद से करते थे। वो कैसे, किसी न किसी फार्मूले से, वो हम बड़ी डिटेल के साथ देख चुके हैं। स्टार्टिंग वैल्यू डेटा की बुनियाद पर कैसे निकलती थी और ये बी की वैल्यू भी डेटा की बुनियाद पर निकलती थी। और डेटा अगर सही नहीं है तो साफ ज़रा है बी की वैल्यू भी सही नहीं होगी, और डेटा अगर बाइस्ड है तो ये भी बायस जवाब आएंगे, डेटा अनबायस्ड है तो ये भी अनबायस्ड आएगा। इसी तरीके से सेकंड डिग्री इक्वेशन में y इज इक्वल टू ये a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, यानी आपके पास डिग्री जो है सेकंड डिग्री इक्वेशन हो जाती है। इसी तरीके से क्यूब आएगा a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स क्यूब। ये इक्वेशंस हैं, इनके ये जो पैरामीटर्स हैं इनको ट्यून करना पड़ता है, और ये ट्यून पी वैल्यू के साथ हमने चेक किया था। अब हम इनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कैसे तैयार करेंगे। लेट्स से लाइन है, ये इसकी बी की वैल्यू रेट ऑफ चेंज को कहते हैं। ये फ्लेक्सिबल है कि आप ये देखें पॉइंट्स इधर हैं, आप बी की वैल्यू थोड़ा सा इधर भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं। लेकिन जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है तो आपके पॉइंट्स इधर हैं, इधर पॉइंट्स हैं। ट्रेनिंग आप आइट्रेशन बार बार चलाते हैं तो ये हर पॉइंट्स के करीब से होने की कोशिश करती हैं। जितनी ट्रेनिंग ज़्यादा करवाते जाएंगे, हाइड्रेशन ज़्यादा देते जाएंगे, तो ये जो थोड़ी सी भी गलती आपको नहीं करने देगा। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये है कि अगर आपके पास ओरिजिनल डाटा 5 है और आपने कोई 6 निकाल लिया है जवाब, तो वो उसको भी दुरुस्त कहेगा। लेकिन अगर आपका फ्लेक्सिबल नहीं है तो जब तक 5 जवाब नहीं आता आपका मॉडल उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। यानी 0.5 की भी अप एंड डाउन्स बर्दाश्त नहीं करेगा। इसे कहते हैं कि ये मॉडल जो है फ्लेक्सिबल नहीं है। तो इसका कैसे पता चला सकते हैं, अभी नेक्स्ट मैं आपको किताब में से एग्जांपल दिखाऊंगा, कुछ ग्राफ दिखाऊंगा। लेकिन पहले हम इसको देख लेते हैं कि वो इसमें कौन कौन सी तरीके मौजूद हैं। तो पहला तरीका है क्रॉस वैलिडेशन। अब ये कौन से पढ़ रहे हैं हम, हमने देखा था वैलिडेशन के मेथड, एक बूटस्ट्रैप था और एक हमारे पास पिछली स्लाइड में मैं आपको दिखाता हूँ क्रॉस वैलिडेशन मेथड और बूटस्ट्रैप था। क्रॉस वैलिडेशन के अंदर 3 चीज़ें हैं, एक क्रॉस वैलिडेशन है, दूसरा लीव वन आउट यानी LOOCV मॉडल है, की फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन मेथड है। ये बहुत
पॉपुलर इस्तेमाल होता है। बारी बारी देख लेते हैं कि क्रॉस वैलिडेशन में क्या होता है। ये बड़ा सिंपल मेथड है क्रॉस वैलिडेशन का। इसके अंदर आपके पास जो डेटा होता है, रिकॉर्ड्स होते हैं, टेबल आपके पास बना हुआ है, लेट्स से आप के मीन्स में भी देखा है, रिग्रेशन में भी देखा है, एक्स की वैल्यू थी, वाई की वैल्यू थी, ये एक्स एक फीचर हमने इस्तेमाल किया था, वाई आउटपुट का था, इसीलिए हम इसको सुपरवाइज कहते थे कि आउटपुट साथ ही हुई होती थी। ये रोज हैं रिकॉर्ड्स, इसको हम रिकॉर्ड्स भी कह सकते हैं। लेट्स से कि ये आपके पास 100 सैंपल्स हैं किसी चीज़ के, तो इसे हम क्या करेंगे, 1000 है तो हम क्या करेंगे, 70% डेटा ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल कर लेंगे, जो रिमेनिंग होगा। खास बात ये है कि ये ओवरलैप्ड नहीं होता, जो 70 आपने 1 से लेकर 70 तक आपने अगर सैंपल सेलेक्ट कर लिए तो 71 से लेकर 100 तक ये 30% जो डेटा है ये वैलिडेशन के लिए इस्तेमाल होता है कि आया वो 30% हम टेस्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं, मॉडल को देते हैं वो वैल्यू और देखते हैं कि मॉडल जो इसमें वैल्यूज नहीं थी उनको कैसे बिहेव करता है। लेट्स से आपने एक मॉडल ट्रेन किया, उसको टमाटर की मुख्तलिफ एग्जांपल्स दे दी, टमाटर की मुख्तलिफ एग्जांपल दे दी और ये सारे रेड थे और आपने एक सैंपल टेस्ट के लिए रखा जो इन सैंपल से नहीं मिलता, यानी ये सारे रेड थे, थोड़ा बहुत ग्रीन था लेकिन ये बिल्कुल ग्रीन टमाटर आ गया है, इसमें थोड़ा सा रेड है और बाकी ज़्यादा ग्रीन है, ये सैंपल इसमें नहीं है, तो ये जब आप इसको मॉडल को देंगे आया ये इसको टमाटर कंसीडर करता है या नहीं करता, अगर तो करता है तो मॉडल फ्लेक्सिबल है और इसको एक्सेप्ट कर लेता है, अगर नहीं करता तो इसका मतलब है कि मिस क्लासिफिकेशन आ रही है। तो इसमें हम जो 30% डेटा बाकी बच जाता है उसके हवाले से देखते हैं कि ये इसको कितने परसेंट, 30 में से 90% रिजल्ट ठीक देता है, 80% देता है या 60%, वो तो एक अलग बात है, लेकिन जब आपका रिजल्ट ठीक होगा तो तब आप कहेंगे कि ये मॉडल जो है बेस्ट है। एक और मॉडल है, इसमें तो हमने 70-30 की रेशो रखी, 70% जो है ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया और बाकी 30% टेस्ट के लिए इस्तेमाल किया, ये क्रॉस वैलिडेशन मेथड था, सिंपल मेथड था। इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये जो 30% डेटा आपने दूसरा मुख्तलिफ लिया है, हो सकता है कि आपकी एक्यूरेसी इस सूरत हाल में 0% आए, ये भी हो सकता है कि आपने जो डेटा इस्तेमाल किया हुआ है उसमें इससे मिलती जुलती 70% डेटा के अंदर जो डेटा इस्तेमाल हुआ है वो इस 30% से कितना मिलता है, अगर वो बाई चांस लकीली अगर वो उससे मिलता डिस्टेंस जो है यूक्लिडियन डिस्टेंस या दूसरा मैनहट्टन डिस्टेंस के हिसाब से कम डिफरेंस था तो ये बाई चांस 90% या 90% तो अबव एक्यूरेसी देगा, लेकिन अगर इससे मिलता जुलता डाटा नहीं है तो 0% या 10-20% रिजल्ट देगा, तो ये सूरत हाल बड़ी ख़राब होगी। कुछ लोग इसमें थोड़ी सी बेईमानी भी कर लेते हैं कि ऐसे सैंपल जो सही रिजल्ट नहीं देते वो निकाल के इस 30% में से इधर ट्रेनिंग में डाल देते हैं और ट्रेनिंग में से वो जो कुछ डेटा जो करीब होता है वो टेस्ट में डाल देते हैं, यानी वो डेटा अपने पास रखते हैं जिस पर एक्यूरेसी ज़्यादा देता है और वो डेटा अपने पास नहीं रखते जिस पर एक्यूरेसी कम देता है, तो इस पर थोड़ा सा बेईमानी की जा सकती है। पूरे डेटे की वैलिडेशन का पता नहीं लगता कि सारे डेटा ठीक भी है या नहीं है, या सिर्फ इसी टेस्ट डेटा जो आपने 30% लिया है इस पे सही एक्यूरेसी देता है, इसके अलावा कुछ और ले आए तो फिर ज़ीरो हो जाता है, ये बिल्कुल ज़ीरो हो जाना बड़ा काम ख़राब है। इससे बचने के लिए एक और मेथड है, वो है लीव वन आउट क्रॉस वैलिडेशन मेथड। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। आपके पास 10 सैंपल हैं, 10 में से सैंपल नंबर 1 हमने क्या किया है निकाल लिया, बाकी 2 से लेकर 10 तक इसकी ट्रेनिंग करवा ली, फिर हमने क्या किया ये इसकी ट्रेनिंग हो जाएगी, फिर उस सैंपल को टेस्ट करेंगे, हो सकता है वो दुरुस्त आ जाए, हो सकता है गलत आ जाए, जो भी आ जाता है उसका रिजल्ट, उस रिजल्ट को हमने मेजर कर लिया 1। फिर हमने क्या किया सैंपल नंबर 2 को टेस्ट में डाल दिया,
यानी एक जो पहले हमने एक को टेस्ट में रखा हुआ था, बाकी दो से लेकर दस तक हमने लिया हुआ था किसमें, ट्रेनिंग। अब हमने एक को तो ट्रेनिंग में डाल दिया, दो को टेस्ट के लिए रख लिया। अब हमारे पास कौन से बचेंगे ट्रेनिंग के लिए, एक दो निकल गया, तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, तो इसका भी रिजल्ट आ गया होगा दूसरा। इसी तरीके से फिर हम दो को ट्रेनिंग में डाल देंगे, तीन को निकाल लेंगे टेस्ट के लिए, तो फिर क्या होगा, वन टू फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, ये ट्रेनिंग के लिए होगा। नेक्स्ट फेज में, नेक्स्ट आइट्रेशन में क्या करेंगे, फोर्थ सैंपल को निकाल लेंगे और बाकी ट्रेनिंग में डाल देंगे, सो ऑन। इसी तरीके से फिर पांचवें को निकाल लेंगे बाकी ट्रेनिंग को। इस तरीके से हमारे पास 10 रिजल्ट आ जाएंगे। ये जो 10 रिजल्ट हैं इनकी हम एवरेज लेंगे, एवरेज लेने के बाद देखेंगे कि ये कितने एक्यूरेसी है। 10 में से लेट्स से एवरेज आपके पास 9 आ जाते हैं, 9%, तो हम कहेंगे कि ये जो 10 में से 9 है ये 90% बनते हैं, 90% एक्यूरेसी है। इसमें हमने ये किया कि हर सैंपल को ट्रेनिंग में डाल लिया है, जबकि ऊपर वाला जो मेथड था क्रॉस वैलिडेशन, इसमें ये जो 30 सैंपल आपने टेस्ट के लिए निकाले थे उसमें ट्रेनिंग के अंदर उससे मिलता जुलता डाटा नहीं था। लेकिन अब ये है, वन भी ट्रेनिंग में आ गई है, टू भी ट्रेनिंग में आ गया है, थ्री भी आ गया है, गो के हमने एक सैंपल निकाला हुआ है टेस्ट में से, टेस्टिंग हमने यूं की है। इससे ये हुआ कि हर डेटे की एक्यूरेसी या डेटे की वैलिडेशन ज़्यादा बढ़ जाती है, जबकि उधर डेटा कोई जो ख़राब डेटा है आप उसको ट्रेनिंग में ना डालें, कोई टेस्ट कर लें, या ख़राब डेटा ट्रेनिंग में डाल लें, जो अच्छा डेटा है, जो लेट्स से कि 70% डेटा हुआ है, डेटा इसमें है, 10% या 20% डेटा ख़राब है और बाकी 70 में से 50% डेटा दुरुस्त हैं, इस 50 की बुनियाद पर ये 30% दुरुस्त हो जाते हैं। 20% डेटे का कैसे पता चलेगा कि वो सही है या नहीं है, तो इससे पता नहीं चलता था। लेकिन इसमें अगर पहला सैंपल निकाला वो उसको टेस्ट किया, अगर वो ख़राब है तो दूसरे को भी चेक किया, तीसरे को भी चेक किया, चौथे को भी निकाल के टेस्ट किया, पांचवे को भी, तमाम डेटे को टेस्ट के लिए ट्रेनिंग दूसरे डेटे पे निकाली और हर डेटे का एक एक सैंपल टेस्ट के लिए इस्तेमाल किया, तो इससे डेटे की परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है। ये भी एक तरीका है, लेकिन इससे एक्यूरेसी जो है टाइम बहुत ज़्यादा लगता है और हर सैंपल को बार बार चेक करना पॉसिबल नहीं है कि 1,00,000 सैंपल हैं तो फिर क्या करें। तो इससे एक और मिलता जुलता, इसी कंसेप्ट से मिलता जुलता एक और हमारे पास मॉडल है जिसे कहते हैं के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन। अब के फोल्ड का क्या मतलब है कि जब आप एक किसी मॉडल के लिए डेटा ले रहे हैं, लेट्स से कि 100 वैल्यूज ली हैं, ट्रेनिंग सेट n इज इक्वल टू 100 है, अब आपने 100 में से के फोल्ड क्या करना है कि 10 यहाँ पे जो 1 लीव था ना, लीव 1 आउट, इसमें आपने हर सैंपल को चेक किया। अगर ये 1,000 हैं तो 1,000 साइकिल चलाने पड़ते, 1,00,000 हैं तो 1,00,000 चलाने पड़ते, लेकिन यहाँ पे हमें फेज के फोर फेज, लेट्स से हम 10 फेज चलाना चाहते हैं, तो आपके पास 1,000 वैल्यूज हैं, तो 1,000 का 10% निकालें तो आपको एक के फोल्ड के अंदर, हर फोल्ड के अंदर 100-100 सैंपल रखने हैं। अगर 10,000 हैं तो हर फोल्ड के अंदर आप 10 के लेना चाहते हैं, के फोल्ड 10 लेना चाहते हैं तो 10 पे डिवाइड कर लें, तो आपको हर फोल्ड के अंदर 1,000-1,000 सैंपल की ज़रूरत है। इसी तरीके से 1,00,000 वैल्यूज हैं, के फोल्ड 5 अगर आप रखना चाहते हैं तो 5 पे डिवाइड कर लें, के फोल्ड अगर आप 10 रखना चाहते हैं तो 1,00,000 में से 1 निकाल देंगे, 1,00,000 सैंपल जो है एक फोल्ड में रखने पड़ेंगे। फोल्ड का क्या मतलब है, लेट्स से मैं छोटी एग्जांपल से समझाता हूँ। 100 आपके पास सैंपल्स हैं, आपने उसका 10% निकाला तो 10 निकला है, 90 बच गए, 90 ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया, ट्रेनिंग करने के बाद इन 10 सैंपल्स के टेस्ट किया, इसने एक्यूरेसी दे दी होगी आपको 90%। फिर आपने क्या करना है, अगले 10 सैंपल लेने और बाकी जो 90% सैंपल्स हैं उनको अलग कर देना है। तो अब आपके पास क्या होगा,
पहली दफा आपने पहले 10 सैंपल लिए थे एक के फोल्ड में, आगे 20 से लेकर 100 तक आपके पास सैंपल रह गए थे इसके अंदर, तो नेक्स्ट फेज में पहले 10 शामिल कर देने हैं और सेकंड जो 10th हैं यानी 20 से लेकर 30 तक सैंपल निकाल लेने हैं टेस्ट के लिए, बाकी सारे ट्रेनिंग पर रखें। इसी तरीके से तीसरे फेज में 30 से लेकर 40 तक टेस्ट के लिए, बाकी सारे यानी हर 10-10% निकालते जाएंगे, रिमेनिंग ट्रेनिंग में डालते जाएंगे। तो इसको क्या कहते हैं की फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन। इससे पूरे डेटे का पता भी चल जाता है कि वो डेटा सही भी है या नहीं, पहले जो मॉडल की जो खामी है वो खामी भी निकल जाती है और इसमें बेईमानी करने के चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं। तो ये हमारे पास कौन से मेथड थे, क्रॉस वैलिडेशन के मेथड थे जिसके जरिए हमने क्या किया अपने मॉडल को ट्रेन किया। अब हम लास्ट मॉडल देख रहे हैं वो कौन सा है, बूटस्ट्रैप मॉडल है, उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ये किस तरीके से काम करता है। ये देखें ये बूटस्ट्रैप मॉडल इस तस्वीर से बड़ा आसानी से समझाया जा सकता था, तो इसलिए मैंने ये तस्वीर आपके लिए यहाँ पे रख ली है। ये क्या बताती है, ये देखें रिग्रेशन मॉडल जब आपने किया था तो उसमें एक्स और वाई की वैल्यूज थी, यहाँ भी एक्स और वाई की वैल्यूज शो हो रही हैं। ये डाटा नंबर 1 है, ये डाटा नंबर 2 है, डाटा नंबर 3 है, 1, 2, 3 ये रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास 3। बूटस्ट्रैप ये करता है कि आप रेंडमली सैंपल लेता है और वो विद रिप्लेसमेंट लेता है, एक होता है विदाउट रिप्लेसमेंट और एक होता है विद रिप्लेसमेंट। जैसे यहाँ पर 3 सैंपल है और ये इसने पहला स्ट्रैप बूटस्ट्रैप निकाला, इसमें उसने 3 में से 3 ही सैंपल लिए हैं, लेकिन वो 3 एग्जैक्ट वही नहीं है 1, 2, 3। लेकिन यहाँ ज़रा गौर से करें देखेंगे तो पहला सैंपल है 3 यानी ये वाला रिकॉर्ड आ गया। इसी तरीके से जो दूसरा सैंपल है वो रिकॉर्ड नंबर 1 है और जो तीसरा सैंपल इसने लिया है क्योंकि ये विद रिप्लेसमेंट था तो 3 रिकॉर्ड नंबर दोबारा आ गया है। देखिए पहले भी 3 रिकॉर्ड नंबर आया हुआ है 5324, दोबारा भी 5324 आ गया। तो इस जो पहले क्रॉस वैलिडेशन वाले मेथड थे उसमें डेटा रिपीट नहीं होता था, लेकिन बूटस्ट्रैप के अंदर डेटा रिपीट हो रहा है। अब ये रिपीट क्यों हो रहा है इसकी मैं लॉजिक आपको देना चाहता हूँ। समटाइम हमारे मॉडल में सैंपल्स नहीं होते, लेट्स से मेरे पास 80 सैंपल हैं और न्यूरल नेटवर्क कहता है कि 100,000 सैंपल होने चाहिए, 80 सैंपल पे वो ट्रेन ही नहीं होता। अब दूसरे सैंपल कहाँ से लेके आए जाएं, तो उसका तरीका यह है कि हम बूटस्ट्रैप का मेथड इस्तेमाल करते हैं और उसको कह देते हैं 100,000 सैंपल इन्हीं सैंपल्स में से मिलते जुलते सैंपल जनरेट करें। अब इसकी एवरेज और होगी, ये देखें ये एक सैंपल जनरेट हुआ है, इसकी एवरेज और है, इसकी एवरेज और है, इसकी एवरेज और है। विद रिप्लेसमेंट में आप कितने निकाल सकते हैं, तो उसका जो फार्मूला है विद रिप्लेसमेंट का बेस है एन, हमारे पास यहाँ पे 3 है सॉरी, तो और हमने सैंपल साइज कितना लेना वो भी 3 है, तो 3 की पावर 3 लेंगे 9 डिफरेंट आप सैंपल जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ तो 3 शो हो रहे हैं, इस 3 में मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ सैंपल नंबर रिकॉर्ड नंबर 3 रिपीट हुआ है। सेकंड में देखें 2, 3, 1 यानी एज इट इज़ जो डाटा था वही आपने डाटा ले लिया है। इसमें 70, 30, 90, 10 कोई परसेंटेज नहीं है, पूरा डाटा उसी को रीजनरेट करवाया तो रेंडमली जनरेट करवाया तो बाई चांस हमारे पास सेम वही आ गया है 1, 2, 3, लेकिन तरतीब तो चेंज है लेकिन डाटा वही है, रिकॉर्ड वही है आपके पास। इसी तरीके से एक और सैंपल बूटस्ट्रैप में से जनरेट हुआ, अब देखें इसमें 3 है ही नहीं, 1, 2, 2 दो दफ़ा रिपीट हो गया, इसमें 3 दो दफ़ा रिपीट हो गया, 2 नहीं है इसमें, और ये बाई चांस हो रहा मशीन रेंडमली हो रहा, हमारा इसमें कोई विल नहीं है, हमारी विल इसके अंदर नहीं है कि हम इस सैंपल को रखेंगे इस सैंपल को नहीं रखेंगे, मशीन का एक मैकेनिज्म है उस मैकेनिज्म से हमें मुख्तलिफ सैंपल जनरेट करवाए। तो इस तरीके को क्या कहते हैं बूटस्ट्रैप मॉडल कहते हैं। इससे जो आपका पैरामीटर होता है इक्वेशंस का, लेट्स से लीनियर इक्वेशन थी उसमें आपने ए और बी की वैल्यू निकाली थी, ये ज़रा स्लो स्मूथ हो जाता है, इसके जो रेट ऑफ चेंज होता है लेट्स से कि ये 2-2 रिपीट हो गया, 3-3 रिपीट हो गया। मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको, ये हमारे पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू ए प्लस बी, हमने ये बी पैरामीटर ट्यून करवाना है और आपके पास ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। जब आप ये सैंपल लेंगे
तो उनकी जो वेरिएशन होगी, वेरिएशन का चैप्टर भी आप पढ़ चुके हैं स्टैट के अंदर, कि हर पॉइंट्स दूसरे पॉइंट के दरमियान कितना डिफरेंस है, ये डिफरेंस जो है कम होता जाएगा, क्योंकि दो लिया दोबारा दो ले लिया, एक और सैंपल में तीन लिया दोबारा तीन ले लिया, वन और टू भी हैं। इसी तरीके से किसी सैंपल में वन 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 तीनों वन रिकॉर्ड आ गए, तो ये इधर पॉइंट्स जो है गहरे हो जाएंगे और उनकी वेरिएशन कम हो जाएगी। जब वेरिएशन कम होगी तो ये जो मॉडल ट्रेन होगा उसके अंदर जो मीन स्क्वेयर एरर MSE ये कम आएगा, जीरो के करीब आता चला जाएगा। अगर वेरिएबिलिटी ज़्यादा होगी, जैसे क्रॉस वैलिडेशन में है, क्रॉस वैलिडेशन फ्लेक्सिबल मॉडल है और ये जो बूटस्ट्रैप हैं ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी इसके अंदर ज़रा कम हो जाती है और इसकी एक्यूरेसी जो है ज़्यादा हो जाती है, तो उसमें आप का जो मॉडल है ज़्यादा बेहतर ट्रेन हो सकता है। तो आज तक के लिए इतना ही।